कोशिश नहीं की। नौजवान तमाम बेरोजगार है,
और 24 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, आपने क्या किया? क्या किया? कहते थे कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, फिर 30,000 करोड़ का राफेल घोटाला किसने करवाया? इतने बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने खुद तय कर लिया कि जहाज कौन बनाएगा, जिसने कभी एक हवाई जहाज जिंदगी में नहीं बनाया था वो बनाएगा। उसको जमीन भी दे दी, उसको कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया, एचएएल से बनवाया नहीं, जिसने 50 साल के लिए जहाज बनाया। इतने बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने सोचा कि ऐसा काम करेंगे, मौसम क्लाउडी है, रेडार पे नहीं आएंगे। लेकिन रेडार पे आ गए, बहनों भाइयों, रेडार पे आ गए हैं। और चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे खुली धूप हो, सब समझ गए हैं कि इनकी राजनीति की सच्चाई क्या है। आपको 15 लाख रुपए देने का वादा किया, कुछ नहीं हुआ। किसानों को कहा कि आमदनी आपकी दुगनी होगी, कुछ नहीं हुआ। जितने भी वचन दिए थे, जितनी उम्मीद आप में जगाई थी और आशा आप में जगाई थी, उसका सरासर निरादर किया है। पांच सालों में अमेरिका घूमने का मौका मिल गया, ओबामा जी से गले लग गए, जापान में ढोल बजा के आ गए, चीन के राष्ट्रपति से गले लग गए, पाकिस्तान में बिरयानी खाई। लेकिन अपने ही संसदीय क्षेत्र में वाराणसी, पूरे संसदीय क्षेत्र में 5 सालों में एक गरीब एक किसान के घर नहीं गए, एक भारत के एक देशवासी से गले लगते हुए देखा है आपने। कुछ दिनों पहले चुनाव के प्रचार के समय मैंने अखबार खोला और मैंने प्रधानमंत्री जी की फोटो देखी, एक बच्चे को गोद में लिए हुए थे और उनको चूम रहे थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने देखा, मैंने सोचा देखिए, मैं हर जगह कहती हूँ कि किसी से गले नहीं लग रहे हैं, कम से कम मेरी बात तो सुन ली, किसी के बच्चे को गोद में लेके उनको चूम रहे। नहीं, सुनिए, नीचे लिखा था अमित शाह के पोते हैं। मैंने कहा ये लो, मैं खुश हो रही थी कि मेरी बात मान ली, देशवासियों से मिल लिए, किसी के बच्चे को उठा के थोड़ा सा प्यार कर लिया और ये बात निकली। तो क्या हो गया है 5 सालों में, क्या हो गया है? देखिए, मैंने सत्ता को बहुत करीब से देखा, बचपन से मैंने बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों को देखा, इंदिरा जी को देखा। और सत्ता में एक बात होती है अहम, कि जिस दिन किसी भी नेता को ये गलत फहमी हो जाती है कि सत्ता खुद की है, कि सत्ता देने वाली जनता को भूल जाता है नेता, उसमें इतना अहंकार बढ़ जाता है, तो उस नेता का भविष्य तय हो जाता है। और पिछले 5 सालों में क्या हुआ है? ये हुआ है कि भाजपा की सरकार, उनकी नेता, उनके प्रधानमंत्री सत्ता की मोह माया में घिर गए हैं। उनको सिर्फ यही दिख रहा है कि किस तरह से सत्ता हमें अपने पास रखनी है। वो
बीच आना बंद कर दिए हैं। आते हैं तो ऐसी बड़ी बड़ी मीटिंगों में बड़े बड़े प्रचार करने के लिए, नई नई उम्मीदें जगवाने के लिए जिनको ठुकराने वाले हैं। वो डिजिटल कैमरा भी ले आए। जहां तक मेरा अनुमान है, हो सकता है गलत है, लेकिन 1987 में बना ही नहीं था। खैर, बात यह हुई है कि उनका अहंकार बहुत बढ़ गया है। वो सत्ताधारी लोगों से घिर गए हैं, पब्लिक से तो मिलते नहीं है, जनता से मिलते जुलते नहीं है। तो उनको ये समझ भी नहीं है कि जो इनकी नीतियां हैं इनसे आप पर क्या बीत रही है। एक दिन तय कर लिया कि नोटबंदी करेंगे, आपको कतार में खड़ा कर दिया, आपकी देशभक्ति की चुनौती दे दी। कोई बीजेपी का नेता देखा अपने क्या लाइन में? किसी भी अमीर उद्योगपति को देखा? एक व्यक्ति था लाइन में आपके साथ, आप भूल गए, मैं याद दिलाती हूँ, राहुल गांधी कतार में खड़े हुए थे और इनके तमाम नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन वह एकमात्र नेता थे जो नोटबंदी के समय आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर कतार में खड़े हुए। आपकी देशभक्ति को देते हैं चुनौती, आपको कहते हैं कि कतार में खड़े हो जाइए, दुनिया का काला धन वापस आ जाएगा देश में। क्या आया बहनों और भाइयों, क्या आया? एक रुपया नहीं आया। इनकी नीतियों का जो पब्लिक पर असर हो रहा है उनको इसका कोई समझ नहीं रहता। आज स्थिति यह है कि इनकी नीयत भी खराब है और इनकी नीतियां भी खराब है। देश भर में किसान की जो आज परिस्थिति हुई है वो मेरे ख्याल से दशकों में नहीं होगी कि 12,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। देश भर से पैदल किसान दिल्ली आए, उन्होंने कहा मोदी जी हमें 5 मिनट का समय दीजिए। उन्होंने वो अपने आलीशान रेसकोर्स रोड के बंगले से 5 मिनट के लिए निकल के उनसे मिल नहीं पाए, किसानों का दुख उनका दर्द सुन नहीं पाए और अपने आप को कहते हैं कि बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। ये कैसा राष्ट्रवाद है जो किसान को सुरक्षित नहीं रख सकता? कैसा राष्ट्रवाद है जो नौजवान को सुरक्षित नहीं रख सकता? कैसा राष्ट्रवाद है जिसके राज्य में महिला मेरी बहनें असुरक्षित हैं? ये कैसा राष्ट्रवाद है जो आदिवासियों से अपने अधिकार छीनता है? कैसा राष्ट्रवाद है कि जब दलितों की पिटाई सरेआम पिटाई होती है तो मौन रहता है, जब SSC के छात्र उनके घर के बाहर आके धरना देते हैं तो मौन रहते हैं, जब SC/ST एक्ट हटाया जाता है तो मौन रहते हैं? कैसे राष्ट्रवादी हैं? आप में बहुत विवेक है और मुझे बचपन से सिखाया गया है कि जनता के विवेक का आदर करना है। आप में बहुत विवेक है, आप जागरूक बन जाइए। जो नेता आपके सामने आता है, जो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, आप उनसे ये पूछिए कि आपने हमारे लिए किया क्या और आप करने क्या जा रहे हैं, ये बताइए। जितने नेताओं की आज हिम्मत हो रही है कि बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े वचन कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं और उन वचनों को पूरा करने की कोई उनमें कोई शुरू से कोई नियत नहीं है, उनकी हिम्मत तोड़िए। उनको ये सिखाइए कि भारत एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है। नेता को बनाने वाला कौन है? कौन है नेता को बनाने? बोलो हम हैं। बोलिए हम हैं। तो सबक कौन सिखाएगा? आप सबक सिखाइए। बहुत हो चुकी ऐसी राजनीति, 5 साल से परेशान करके रखा है,
सिर्फ भाषण भाषण भाषण, प्रचार प्रचार। और जैसे स्कूल, जैसे पाठशाला में वो बच्चे होते थे ना, जैसे स्कूल में वो बच्चे होते थे कि रेस दौड़ रहे हैं, और जैसे उनको पता चला कि हारने वाले हैं, वो वहीं पे गिर पड़ते हैं और किसी को कहते कि उसने गिराया, उसने लात मार दी, फलाने ने धकेल दिया। यही स्थिति हो गई है इनकी आज, यही स्थिति हो गई है कि अब चुनाव आ रहा है तो बातें हो रही हैं 60 साल पुरानी, 40 साल पुरानी। इंदिरा जी ने ऐसे किया, नेहरू जी ने वैसे किया, राजीव जी ने ऐसे किया, ये बातें हो रही हैं। अरे अरे सदी में तो आइए, इधर तो आइए, अपने पांव जमीन पर तो लाइए। जनता पूछ रही है आपने हमारे लिए क्या किया, पिछले 5 सालों में आपने हमारे लिए क्या किया। हम कांग्रेस के नेता हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो घोषणा पत्र निकाला है, आप सब पढ़े लिखे हैं, अब आप सीरियसली सुनिए मेरी बात। नहीं, अब सीरियसली सुनिए, सीरियसली सुनिए, क्योंकि राजनीति बड़ी सीरियस चीज है, इसको हल्के में मत लीजिए। इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र बनाया है, आप सब पढ़े लिखे हैं, ऑनलाइन जाइए उसको पढ़िए पढ़िए, क्योंकि वो घोषणा पत्र राहुल जी ने 1 साल से हमारे दिग्गज नेताओं को कह रखा है कि आप जनता के बीच जाइए, नौजवानों से बात करिए, किसानों से बात करिए, महिलाओं से बात करिए, अध्यापकों से, मजदूरों से, सबसे बात करिए, पूछिए कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो जो घोषणा पत्र 1 साल के काम, 1 साल की देश भर में चर्चा के बाद बना है, वो एक बहुत मजबूत और अच्छा घोषणा पत्र है। और क्योंकि मैं जहां भी जाती हूं, मैं यही बात करती हूं कि आपको जागरूक बनना है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं, आपका जागरूक बनना इसका मतलब है कि आप हर पार्टी का घोषणा पत्र पढ़िए। और हमारे घोषणा पत्र में कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको आप पढ़ के खुश होंगे। कांग्रेस ने आपको करके दिखाया है, इंदौर में IIT खुला, IIM खुला, किसने खुलवाया? कमलनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से किसानों के कर्ज माफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा की कि हम करेंगे। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में कुछ मुख्य चीजें जो हैं, उनके बारे में मैं आपको 2 मिनट में बता देती हूँ, फिर आपको गौर करना बंद। देखिए, सबसे पहली तो न्याय योजना है, जिसके जरिए 72,000 रुपए सालाना हर गरीब परिवार को मिलेंगे। इसके बारे में भी बड़ा झूठा प्रचार किया गया है कि ये पैसे मिडिल क्लास से लिए जाएंगे। ये सरासर झूठ है, ये पैसे मिडिल क्लास से नहीं लिए जाएंगे, ये पैसे डायरेक्ट गरीब परिवारों को जाएंगे। इसके अलावा गरीब परिवारों के लिए सरकारी अस्पतालों में जांच और इलाज मुफ्त मिलेगा, सरकारी पाठशालाओं में 12वीं तक शिक्षा मुफ्त मिलेगी। यहाँ जो तमाम दुकानदार हैं, छोटे उद्योगपति हैं, जिनको GST की उलझन में डाल दिया है भाजपा ने, आपको GST की उलझन में से निकालने के लिए कांग्रेस ने तय किया है कि एक ही सरल GST, एक टैक्स होगा, ये तमाम टैक्स हट जाएंगे। इसी तरह से अगर कोई नौजवान अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो 3 सालों के लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं होगी, और अगर अपने कारोबार द्वारा, अपने बिजनेस द्वारा रोजगार बनवाता है दूसरे नौजवानों के लिए, तो जितने रोजगार बनाएगा उतना कम टैक्स देगा। 24 लाख जो सरकारी रोजगार खाली हैं, कांग्रेस ने कहा है 1 साल में मार्च 2020 तक वो भरे जाएंगे। 10 लाख ग्रामीण स्तर पर रोजगार बनाए जाएंगे, मनरेगा ग्रामीण स्तर के लिए मजबूत बनाई जाएगी। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे आपकी भलाई होगी, जो आपकी हित में बनाई गई हैं।
ये इसलिए नहीं बनाई गई है कि झूठा प्रचार हो चुनाव से पहले, जल्दी जल्दी उम्मीदें जगा लेते हम, गुमराह कर लेते हैं जनता को और बाद में भूल जाएंगे जो कांग्रेस जुमले। एक मैंने देखो कहाँ है भाई, जो किसने लिख के दिया था, सुना था पढ़ाती हूँ, नहीं ये दूसरा वाला, तो अब आप सुन रहे हैं तो पढ़ा देती हूँ, ये वाला जुमला ही बोलता रहा पांच साल की सरकार में, सोचा था क्लाउडी है मौसम नहीं आऊंगा रडार में। तो आपने जुमले बहुत सुन लिए, अब आप मन बना लो कि ऐसी सरकार लाएंगे आप केंद्र में जिनके नेता सच्चे हैं, जो आपके लिए काम करना चाहते हैं, जिनमें वो आत्मशक्ति है कि जितनी आलोचना की है 10 सालों की मेरे भाई हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ कि एक नेता की जो राजनीतिक शक्ति होती है वो बड़ी बड़ी बातों से नहीं आती, बड़े बड़े झूठे प्रचार से नहीं आती, जनता की आवाज को सुनने से आती है। और राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जिनकी इतनी आलोचना हुई है, इतना मजाक उड़ाया गया है, जिनके बारे में इतने झूठे प्रचार किए गए हैं, लेकिन उनमें इतनी आत्मशक्ति है कि संसद में जाकर वो प्रधानमंत्री जी से, जिन्होंने उनको सबसे बड़ी गालियां दी और सबसे बड़ी बुरी चीजें कही उनके बारे में, उनको जाकर गले मिलाए, गिल मले। इसको कहते हैं आत्मशक्ति, और राजनीतिक शक्ति इसी आत्मशक्ति का एक अलग प्रदर्शन होता है कि जो जनता कह रही है उसको सुनने की शक्ति। अगर जनता प्रदर्शन करे, अपने अधिकार मांगे, अगर डांटे, तो ये नहीं मानना कि उनकी आवाज बंद करनी है। भाजपा की सरकार क्या करती है, आप अपने अधिकार मांगते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आलोचना करते हैं, आपको दबा देते हैं, दबाना चाहते हैं आपको। मैं तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं से मिली हूँ, अध्यापिकाओं से, जिन्हें जेल में डालकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून देशद्रोही बोल दिया, और वो बेचारी कानून लड़ रही है, केस लड़ रही है। क्या किया उन्होंने, अपने अधिकार मांगे, अपना मानदेय मांगा और उनको देशद्रोही बना दिया। ये राजनीतिक शक्ति नहीं है, ये दुर्बलता है और कायरता है। एक लोकतंत्र में सबसे बड़ा कायर नेता वो होता है जिसमें जनता की आवाज सुनने की हिम्मत नहीं होती, और एक ऐसे ही नेता आज आपके प्रधानमंत्री हैं, आपकी आवाज सुनने की उनमें आज हिम्मत नहीं है, उनमें आज आत्मशक्ति नहीं है कि अगर आप टोक भी रहे हैं तो आपकी आवाज सुने और अपना राह बदले। आज भी अगर सच्चाई का राह पकड़ लेते तो आप दोबारा अपनी उम्मीद उनमें डालते, लेकिन वे सच्चाई के राह को छोड़ चुके हैं, पूरी तरह छोड़ चुके हैं। इसीलिए चुनाव आ रहा है। हाँ, क्या 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 सब चिल्ला रहे, सुन नहीं रहे। समझदार बन जाइए, जागरूक बन जाइए, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लोकतंत्र को बचाना है। जो लोकतंत्र की संस्थाएं वो जनता को सुरक्षित रखती हैं, किसी नेता को सुरक्षित करने के लिए नहीं बनाई थी। ये लोकतंत्र जो है हमारा, ये आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई, जो शहीद हुए हमारे देश के लिए, वो किसी नेता को मजबूत बनने के लिए शहीद नहीं हुए, वो आपको मजबूत बनाने के लिए शहीद हुए हैं। अपनी शक्ति को समझिए। जो अपने आप को बड़े तपस्वी कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो तप नहीं कर रहे हैं, जप कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के। अब आप जागरूक बनिए, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को इस बार जिताइए, एक ऐसी सरकार लाइए अपनी देश में जो आपके हित में काम करे, जो आपका भविष्य मजबूत बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ इंदौर में इनको जिताएंगे कि नहीं, जोर से बोलिए, जिताएंगे कि नहीं? पंकज सांघवी जी को जिताएंगे।
पार्टी को मजबूत बनाइए। जय हिंद।